व्हेन आई से बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन दैट एसेंशियली मीन कि हर एक जो इक्वेशन हम लोग केमिकली केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, सो दैट इज ऑलवेज स्टेटेड थ्रू किसके थ्रू हमें दिखाना है, कैसे दिखाना है, तो हमें मास कंजर्व रहता है इसलिए एटम कंजर्व होने चाहिए, यानी एटम मस्ट बी इक्वल होना चाहिए, एटम दोनों साइड में हमारा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, कोई इलेक्ट्रॉन अपीयर नहीं होना चाहिए, सो वी नीड टू राइट देम प्रॉपरली और हमें उसको समझना है। सो देर आर डिफरेंट मेथड्स एंड द मेथड्स दैट वी आर गोइंग टू जस्ट यूज इज, एक तो सबसे पहला हमारे पास है वही हीट एंड ट्रायल मेथड, और इसको मतलब ये कहते हैं या ट्रायल एंड एरर मेथड बोलते हैं, ट्रायल एंड एरर मेथड, ट्रायल एंड एरर मेथड, और हीट एंड ट्रायल मेथड ही बोलते हैं इसको, और हीट एंड ट्रायल मेथड, हीट एंड ट्रायल मेथड। सो यार इन दिस केस जब हमने यहाँ पे ये कहा है, जिसमें हमें क्या करना होता है, यहाँ पर सपोज जैसे मैंने कहा कि भाई देखो जैसे यानी हमें देखना है और देख के हमें चीजों को इक्वेट करना है, जैसे मान लो हमने यहाँ पे लिखा एच टू लिखा और ये ओ टू लिखा और यहाँ से हमने क्या लिखा ऐसे एरो लिखा एंड आई हैव रिटन हियर एच टू ओ। अब जरा देखो यहाँ पर मुझे इसको बैलेंस करना है, तो अब मैं जस्ट काउंटिंग करके मैं इसको बैलेंस करने की कोशिश करूंगा, कैसे कोशिश करूंगा, एच टू है यहाँ पर तो ये एच टू हो गया, ठीक है बहुत बढ़िया, लेकिन ओ टू में हमारे पास क्या है, इसमें जस्ट एक ऑक्सीजन है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर कितने हैं, दो हैं, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर चूंकि दो है और ये हाइड्रोजन तो बैलेंस हो रहा है, तो जो हमारा कम है तो कम वाले को पहले बैलेंस करते हैं, तो कम कितना है यहाँ पर, ऑक्सीजन में कितने हैं, ऑक्सीजन सिर्फ यहाँ पर एक है, इस साइड मेरे पास टू था, तुम्हें क्या करना होगा, इसको पूरे को टू से मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हें यहाँ पे टू से क्या कर दिया, हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया टू से, सो आई एम जस्ट राइटिंग हियर टू ओवर देयर, ये टू लिख दिया, तो जैसे ही मैंने इसको टू लिखा, अब देखो यहाँ पर ये क्या हो गया, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, कम वाला था इस साइड वाला, तो ये बैलेंस हमने कर लिया, अब हमें क्या करना है इसमें कि हाइड्रोजन कितना हो गया, हाउ मेनी हाइड्रोजन आर एटम प्रेजेंट इन दिस केस, फोर हाइड्रोजन एटम्स आर देयर, और यहाँ पर कितने हैं, सिर्फ दो हैं, इसको टू से मल्टीप्लाई कर दो, सो यू विल हैव दिस वन, ये वाला 2H2, सो नाउ जस्ट काउंट द एटम्स, तो मैं पूछूं आपसे कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन रिएक्टेंट साइड, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन रिएक्टेंट साइड, हाइड्रोजन एटम्स इन रिएक्टेंट साइड ये कितना है, इक्वल टू आगे में यहाँ पे दो नंबर है, सो टू इनटू नीचे में यहाँ पर ये टू है, सो टू दैट इज इक्वल टू फोर आ गया। दूसरा मैंने यहाँ पे कहा कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन रिएक्टेंट साइड दैट वुड बी इक्वल टू हाउ मच, ओनली टू एटम्स आर देयर, वन इंटू टू दैट इज इक्वल टू टू। सिमिलरली फिर से क्या करेंगे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन प्रोडक्ट साइड, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन प्रोडक्ट साइड इज इक्वल टू हाउ मच, इन दिस केस वी कैन से हियर, इन दिस केस आई कैन राइट हियर, कितने हैं यहाँ पर, देखो ये वाला टू है आगे, सो टू मल्टीप्लाइड बाय एच टू हमने लिखा है यहाँ पर, ये टू हो गया, दैट इज इक्वल टू ये फोर आ गया। नाउ व्हाट अबाउट ऑक्सीजन एटम्स, कितने होंगे इन एटम्स, इक्वल टू अगेन हाउ मच, दिस इज टू इंटू वन दैट इज इक्वल टू टू। तो देखो यहाँ पर रिएक्टेंट में हाइड्रोजन चार था, यहाँ भी चार है, प्रोडक्ट में कितने हमारे पास है, प्रोडक्ट में हमारे पास भी चार है और यहाँ भी चार है, ऑक्सीजन के कितना है, दो, और यहाँ पर है दो, सो यस वी कैन से दिस इज बैलेंस्ड नाउ, इसमें चूंकि और कुछ है ही नहीं तो कुछ और लिखने की जरूरत नहीं थी, तो ए पहला रिएक्शन हमने ऐसे बैलेंस किया। लेट अस हैव अ लुक एट अनदर रिएक्शन, सेकेंड रिएक्शन की बात करते हैं हम लोग, लेट अस लुक एट दिस सेकेंड वन, इंस्टीड इफ आई वुड हैव टेकन दिस वन, ए एल लिया मैंने यहाँ पर प्लस ओ टू ले लिया, दिस इज फॉर्मिंग ए एल टू ओ थ्री, ये हमने ऐसे लिख लिया। अब जरा सोचो बच्चों इसको कैसे बैलेंस करेंगे, सो व्हेन आई हैव टेकन हियर दिस लाइक ए एल प्लस ओ टू ए एल टू ओ थ्री, तो यहाँ से देखो फिर से क्या है, इसमें हमारे पास ये ओ टू है, यहाँ पे ए एल तो वन है आगे ही वन ही है, अब मैंने इसमें क्या करना है, यहाँ पर कुछ नहीं, बहुत ही सीधा सा तरीका है, जस्ट देखो यहाँ पर ओ टू है, यहाँ पर ओ थ्री है, तुमने क्या कर दिया, यहाँ पे इसको टू से मल्टीप्लाई कर दो, हमने इसको यदि टू से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया, हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स आर देयर, टू थ्री या सिक्स है यहाँ पर, और यहाँ पे कितने हैं, अभी दो ही हैं, तो क्या किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो वी जस्ट नीड टू मल्टीप्लाई बाय थ्री, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे इसमें, सो हियर आई कैन राइट इट इन दिस वे, ऐसे हमने इसको लिख लिया, आई एम जस्ट राइटिंग हियर लाइक इन दिस केस, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको टू से मल्टीप्लाई कर दिया
और यहाँ पर हमें इसके कारण से क्या होगा, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 2 से और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई हो गया। देन इसके बाद फिर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से तो हमारे पास 6 ऑक्सीजन हो गया, और यहाँ पर क्या आ गया, 2 हमने मल्टीप्लाई कहाँ से किया, 2O3 हो गया, और यहाँ पे 3O2, तो 2Al2, तो 2Al2 मतलब हाउ मेनी एटम्स, 4 एटम्स हैं, जिसको यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, बस ये आ गया। सो वी कैन गेट व्हाट द इक्वेशन, बैलेंस्ड इक्वेशन वुड बी व्हाट, सो द इक्वेशन वुड बिकम 4Al+3O2 चेंजिंग टू 2Al2O3, ये आ गया। हाँ है ना? यस सर हाँ, वेरी गुड। तो ये वाला देखो, अभी हर एक का एटम क्या हो, बराबर हो गया ना, यहाँ पर इधर 4 एल्यूमिनियम है, इधर भी 4 एल्यूमिनियम हो गया, इधर 6 ऑक्सीजन है, इधर भी 6 ऑक्सीजन हो गया। सो वी कैन से दिस इज हाउ वी आर बैलेंसिंग दीज इक्वेशंस, ऐसे करके हम लोग देख करके ऑब्जर्व करके बैलेंस करते हैं। तो एक ये तरीका है। अब ये थोड़ा सा साइंटिफिक नहीं है, बिकॉज साइंस पढ़ते हैं तो कुछ लॉजिकल होना चाहिए, इसमें तो लॉजिकल है ही नहीं, तो जस्ट ऑब्जर्वेशन की बात है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। नाउ लेट अस हैव सम अनदर मेथड, जैसे कि हमारे पास क्या है, एक कंबशन रिएक्शन को बैलेंस करने का तरीका होता है। सो लेट अस हैव अ लुक एट दिस बैलेंसिंग कंबशन इक्वेशन, सेकेंड एज बैलेंसिंग कंबशन रिएक्शन। बैलेंसिंग कंबशन रिएक्शन, एंड व्हेन आई से बैलेंसिंग कंबशन रिएक्शन, तुम लिख नहीं रहे हो अनंत? नो सर, सर इससे पहले का रह गया है मेरा थोड़ा सा। अच्छा, कोई बात है, वो तुम स्क्रीनशॉट ले लेना। ना, बैलेंसिंग कंबशन रिएक्शन की बात करते हैं हम लोग यहाँ पर, सो वी कैन राइट इट इन दिस वे। चलो मैं शेयर कर दूंगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। सो व्हेन आई से बैलेंसिंग कंबशन रिएक्शन, व्हाट इज मीनिंग ऑफ कंबशन रिएक्शन, कंबशन रिएक्शन होता क्या है? सो व्हेन आई से कंबशन रिएक्शन, बच्चों ये ध्यान रखना है इसमें आपको, कि कंबशन रिएक्शन का मतलब थोड़ा सा हमें पहले ये डिफाइन करना है। सो जब आप कंबशन रिएक्शन बोलते हो, सो दिस इज बेसिकली रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, विद ऑक्सीजन इज कॉल्ड कंबशन रिएक्शन। जो ऑक्सीजन के साथ हम रिएक्शन कराते हैं, सो क्या कहते हैं, कंबशन रिएक्शन बोलते हैं। एंड देयर फोर इन दिस केस वी कैन सी हियर, यहाँ से मैं इसमें ये बोल सकता हूँ, एक सिंपल सा तरीका ये है, इन जनरल और इन मोस्ट ऑफ द केसेज, इन मोस्ट ऑफ द केसेज दिस रिएक्शन एज एक्सोथर्मिक। कैसा है ये? एक्सोथर्मिक है, इसको बर्निंग से भी रिलेट कर सकते हैं, एज एक्सोथर्मिक, बट व्हेन वी यूज यूज और बट व्हेन वी यूज नाइट्रोजन, इन दैट केस When you use nitrogen N2, it is endothermic. So please बच्चों इस लाइन को आप याद रखेंगे, एंडोथर्मिक। कौन सा है हमारा ये वाला, कि जब N2 के साथ रिएक्शन होता है वो हमारा एंडोथर्मिक होता है, बाकी जो केसेस की हम बात कर रहे होते हैं उसमें क्या है, एक्सोथर्मिक है। सो प्लीज मेक नोट ऑफ दिस वन, ये वाला हमारे पास एक्सोथर्मिक है एंड दिस वन इज एंडोथर्मिक। सो रिमेंबर दैट इन जनरल कंबशन रिएक्शंस आर क्या है, एक्सोथर्मिक है, लेकिन जब N2 की हम बात करते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, एंडोथर्मिक होता है। सो दिस इज स्पेशल केस है, इसलिए आप जरूर याद रखेंगे। तो हमने क्या कहा, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। अब एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं इसको। सो वाइल कंसिडरिंग द एग्जाम्पल, सो आई कैन राइट हियर वन थिंग, लाइक सपोज हमने क्या किया, यहाँ पर कार्बन ले लिया, सो कार्बन +O2 चेंजिंग टू वॉट, दिस इज चेंजिंग टू CO,
ये हो गया CO यानी कार्बन मोनोक्साइड बन गया। इज दिस बैलेंस्ड इक्वेशन? नो, दिस इज नॉट अ बैलेंस्ड इक्वेशन। इसको तो आप इजीली देख के ही बैलेंस कर सकते हो। यहाँ पे ये O2 है तो मैं क्या कर देना, यहाँ पर ये O2 के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2CO हो गया, यहाँ पे ये 2C आ गया, एंड सो दिस इज बैलेंस्ड इक्वेशन। दिस इज अगेन कम्बशन रिएक्शन है। इन स्टेट यदि हमने यहाँ पर ये कार्बन लिया प्लस O2 कराया तो यहाँ पर फिर से क्या बन जाएगा, एक CO2 बन गया। दिस इज अगेन वॉट, देखो इसमें ये ऑलरेडी बैलेंस्ड ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसके अंदर। बट इन स्टेड ऑफ दिस वन सपोज हमने यहाँ पे N2 ले लिया, तो N2 से क्या बना देगा, यहाँ पर N2 लिया और यहाँ पर ये O2 ले लिया, सो दिस इज फॉर्मिंग NO बना दिया हमने यहाँ पर, सो दिस इज फॉर्मिंग वॉट, 2NO। तो ये वाला क्या है, दिस इज अगेन कम्बशन रिएक्शन है। अच्छा, इसमें यदि ऐसा हो जाए, मान लो कि N2 हमने कहा N2 प्लस O2 चेंजिंग टू NO2, N2 प्लस O2 चेंजिंग टू N2O5, ठीक। सो इन दैट केस कैन यू बैलेंस दीज टू इक्वेशंस, क्या आप इसको बैलेंस कर सकते हैं? N2O5 ने लिखा जिसको हमें बैलेंस करना है, सो प्लीज जस्ट ट्राई दिस आउट। क्या लिखना है यहाँ पर, क्या बताया फिर से बताना सौम्या? 2N2। 2N2, शाबाश। सो मैं नीचे वाले में बता रही हूँ। अच्छा, 5 वाले की बात बता रहे हैं यस सर, यस। ओके, टेल मी। 2O2 हो जाएगा। 2N2, 2O2 प्लस, एक मिनट करो, वेट करो। हाँ सौम्या बोलो। 5O2 5O2 इज इक्वल टू 2N2O5। 2N2O5, शाबाश। सो दिस इज 2N2O5 आ गया, परफेक्ट। एंड सो वी कैन से दिस इज योर बैलेंस नाउ। हाँ बताओ, अब उसमें कौन बता रहा था? अब है सर, फॉर द फर्स्ट वन हाँ इज 2N2 प्लस, 2N2 नो सर, N2 प्लस 2O2 प्लस 2O2 2NO2 2NO2, 2O2 कर दिया, सो दिस इज योर 2NO2, सो दिस इज नाउ बैलेंस्ड इक्वेशन। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। अच्छा एक और चीज देखो, यहाँ पर जब हमने ये लिखा है यहाँ पर, सो दिस इज बेसिकली गैस है, तो गैस के लिए वो क्या करते हैं, ऐसा वाला एरो यूज करते हैं, और ये भी क्या है, ये भी गैस ही है, सो दिस इज, दिस एरो इज यूज। एंड इंस्टेड यहाँ पर हमने ये ले लिया, जहाँ पर कुछ ऐसा हो रहा हो, जब प्रेसिपिटेशन होता है। Precipitation means what? Given something is separating out, so in that case we use what? उस केस में हमारे पास जो एरो का ये वाला हेड है, ये हम लोग यूज कर लेते हैं, वहाँ पर डाउनसाइड एरो यूज होता है। सो दैट आई मस्ट मेंशन हियर, जो हमने एरो यूज किया था उसमें ये वाला पॉइंट हमारा रह गया था कि जब भी गैस इवॉल्व होता है किसी भी रिएक्शन में, ठीक है, उसको अपडेट कर लेना आप लोग, इसमें इस चीज को अपडेट कर लो जो हमने यहाँ पर एरो यूज किया हुआ था बच्चों, तो प्लीज एक बार यहाँ पर एक बार इसको आप अपडेट कर लेना। लाइक दिस हमने एरो जो यूज़ किया हुआ है, हाँ यहाँ पर ये जैसे ऐसे डबल हेडेड एरो, ये हो गया ये कैटलिस्ट प्रोडक्ट। हाँ इसमें यहाँ पर हमें एक ये वाला लिखना है, जब ये सिंगल हेडेड एरो है ये वाला, तो ये वाला एरो को बदले हम लोग ऐसे भी लिखते हैं कई बार एरो को इस तरीके से। सो यू जस्ट नीड टू राइट हियर, यहाँ पे दो एरोज बना लो। व्हेन अ गैस इज इवॉल्व, जब गैस इवॉल्व होता है तो एरो को हम लोग ऐसे दिखाते हैं। व्हेन अ गैस इज इवॉल्व, the arrow is when a gas is evolved, when a gas is evolved, इस तरह का एरो हम लोग यूज करते हैं, अपसाइड एरो यूज करते हैं। और जब precipitate इज फॉर्म्ड, इन दैट केस PPT इज फॉर्म्ड, precipitate इज फॉर्म्ड इन दैट केस वी यूज दिस टाइप ऑफ एरो। जब प्रेसिपिटेट बनेगा तो ये वाला ऐसे होता है, एंड व्हेन जब कोई गैस इवॉल्व होता है तो ये अपसाइड एरो ऊपर की तरफ ऐसे एरो दिखाते हैं। अपडेटेड दिस, कर लिया अपडेट? यस सर। चलो अब इसके बाद हम बात करते हैं इसमें, यहां पर ये लिख लिया अब यहां से, तो दिस इज अगेन अ कम्बशन रिएक्शन, जिसमें कि ये वाला क्या हो गया, हमारे पास N2O5 बन गया। अब इसके बदले यदि मान लो हमने यहाँ पर ये लिखा होता लाइक Al2O3, तो हमने लिखा ही है यहाँ पर ऑलरेडी, अभी हमने बात की ही रखी कर ही रखी है कि Al प्लस O2। सो हियर वी कैन से, मान लिया हमने Na ले लिया, तो Na से हमारे पास क्या बन गया, Na प्लस O2, देन यू कैन टेक कैल्शियम
प्लस ओ टू, ठीक, एल्यूमिनियम प्लस ओ टू. सो दीज आर ऑल कंबशन का ही टाइप है ये सारे के सारे. सो दिस इज फॉर्मिंग व्हाट. इसमें दो तरह की चीजें बनती हैं, एक तो Na2O बनाते हैं हम लोग और दूसरा Na2O2 बनाते हैं. तो दोनों ही बनता है यहाँ पर Na plus O2 में. मोस्टली वी राइट Na2O2, ये लिखते हैं. तो यहाँ पे 2Na हो गया और O2 है 2Na2, Na2O2 आ गया. Ca plus O2 में क्या होगा, 2Ca लगा देंगे. सो दिस इज फॉर्मिंग 2CaO बन जाएगा. 2CaO, Al plus O2 में हमने अभी अभी चर्चा किया था, तो Al2O3 बन गया है यहाँ पर. सो वी कैन राइट हियर 3O2 एंड हियर इट इज, यू कैन से दिस इज 2 कर दिया. सो दिस इज 6 हो गया यहाँ पर एंड वी हैव गॉट 4Al. सो दीज आर बेसिकली, ऐसे बन गया हमारे पास. नाउ अब इसमें पर्टिकुलरली जब हमारे पास हाइड्रोकार्बन का कंबशन कराते हैं या कंबशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करते हैं, सो इन दैट केस कंबशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंबशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड जब कंबशन होता है फॉर्म्स CO2 गैस. कंपाउंड्स फॉर्म CO2 गैस एंड गिव्स हीट एनर्जी. ठीक, यानी जब भी हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड कंबशन कराते हैं तो CO2 गैस बनता है और H2O भी रिलीज होता है इसमें. CO2 गैस एंड H2O and H2O and give heat energy and exothermic reaction है and therefore इसको balance करने का एक simple तरीका होता है, वही तरीके की हम लोग यहाँ पर अब बात करने वाले हैं. so please बच्चों ये ध्यान से note करना. so that is again very 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 important and so the importance is that यहाँ पर कैसे होता है. for example we can take it in this way. for example we can take इसमें हमें rule क्या ध्यान रखना है, वो हमें ध्यान रखना है. so this rule is basically this. रूल एज फर्स्ट, पहला बैलेंस कार्बन एटम. सबसे पहले में क्या करना है, सबसे पहले कार्बन एटम को बैलेंस करना है. जब कार्बन एटम बैलेंस हो जाए तो फिर उसके बाद दूसरा जो टास्क है इसमें बैलेंस हाइड्रोजन एटम. फिर जब ये हाइड्रोजन एटम भी बैलेंस हो गया फिर उसके बाद थर्ड बैलेंस ऑक्सीजन एटम. फिर उसके बाद हमें ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करना होता है. फॉर एग्जाम्पल सपोज देखो यहां से, सपोज मैंने लिया यहां पर सी एच फोर हाइड्रोकार्बन है, इसको मैंने ऑक्सीजन से रिएक्शन कराया, ओ टू चेंजिंग टू, ये तो पता है कि जब भी हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड कोई भी होगा तो पहले क्या करेंगे, इसमें पहले CO2 बनाएंगे, यहां पर H2O बनाएंगे. And now, what is to be done? पहले कार्बन कितना है यहाँ पर? How many carbon atoms are there? लावण्य ने बताना कितने कार्बन है यहाँ पर? Only one है यहाँ पर, one. यहाँ भी one है. तो कार्बन तो बैलेंस ही है. उसका फिर next step कौन सा है? Hydrogen atom. How many hydrogen atoms are there? Four. लावण्य कितने हैं यहाँ पर? Four. इधर कितने हैं? Two. तो क्या करना पड़ेगा? टू से मल्टीप्लाई. यहाँ से हमने क्या कर दिया, इसमें टू से मल्टीप्लाई कर दो इसको, एंड सो मल्टीप्लाई दिस बाय टू से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया. तो ये हमारा हाइड्रोजन बैलेंस हो गया. ठीक, कार्बन बैलेंस्ड, हाइड्रोजन बैलेंस. मान्या हाँ. अब बताना, अब ऑक्सीजन की काउंटिंग करो कितना है रिएक्टेंट साइड में. हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स आर देयर? हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स साइड? नहीं, प्रोडक्ट साइड में. प्रोडक्ट थ्री कैसे है, ठीक से काउंट करो. मान्या बच्चा ठीक से काउंट करके दिखाई नहीं दे रहा है क्या, कितना है यहाँ पर ये? सॉरी सर, फोर सर. फिर ऐसे क्यों बोल रही है, कभी टू कभी थ्री कभी फोर. फोर है ना यहाँ पर, ये दो है टू इंटू वन और यहाँ पर ये टू है, तो फोर हो गया ना बच्चा. यस सर. हाँ, तो फोर ऑक्सीजन है यहाँ पर और इधर कितना है? टू. तो क्या करना पड़ेगा? टू ओ टू. बस,
हो गया बैलेंस. सो वी हैव गॉट टू ओ टू, दैट इज द बैलेंस इक्वेशन. डन? यस यस सर. तो मान्य रिवाइज कराओ कैसे करेंगे बैलेंस, व्हाट आर द स्टेप्स. पहला स्टेप में क्या करना है, पहले सर पहले हमें कार्बन के एटम्स को बैलेंस करना है. वेरी गुड. हाइड्रोजन और फिर ऑक्सीजन. हाँ चलो इसको बैलेंस करो नव्या. इसके बाद आपको लिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, सो प्लीज बी रेडी. तो इसे ध्यान से केयरफुली देखना. एंड पहले हमें क्या लिखना है इसमें, ये पता है दिख रहा है ना यहाँ पर, ये कार्बन कंपाउंड है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, तो ये कार्बन कंपाउंड है, ऑक्सीजन से रिएक्शन कराया तो क्या बनेगा. जैसे ही कार्बन ऑक्सीजन दिखाई दे पक्का है, इसमें कुछ सोचने की बात ही नहीं है. तो ये CO2 निकला यहाँ से और यहाँ पर ये H2O निकला. ठीक, CO2 H2O हमारे पास बना. अब हमें क्या करना है, यहाँ पर बैलेंस करना है. सो मान्या प्लीज बैलेंस दिस, बताओ क्विकली क्या क्या होगा. H2O कर देंगे, बहुत बढ़िया, वेरी गुड. 2 हो गया, ये 3 आ गया, वेरी गुड. ठीक है, देन अब थ्री ओ टू सबास. हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया मान्या, शाबाश. चलो नव्या बताओ. सर पहले प्रोडक्ट की साइड में 3CO2 आ जाएगा. प्रोडक्ट साइड में 3CO2 आ जाएगा, शाबाश बच्चा, वेरी गुड. सर फिर 4H2O. 4H2O, वेरी गुड, शाबाश. सर फिर रिएक्टेंट की साइड में 5O2. हाँ 3 2 6 और ये 4 4 10 हो गया, 10 और यहाँ पर ये 5O2, शाबाश, बहुत बढ़िया, परफेक्ट, वेरी गुड. नाउ बताना श्रीराम, इट्स योर टर्न नाउ. सर आई एम नॉट गेटिंग द फॉर ऑक्सीजन, आई विल सी. इट्स सर इट इज 4CO2. 4CO2, so I can write here 4CO2 plus 3H2O. 3H2O, right? Sir, I'm not able to balance oxygen atoms. Why? Count karo, how many oxygen atoms are there? Sir, total 11. 11, और यहाँ पर O2 है तो क्या करेंगे, यहाँ पर 11/2 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो मल्टीप्लाई बाय 11/2. Yes, sir. ठीक, सिंस दिस इज अ फ्रैक्शनल नंबर, तो नॉर्मली हम लोग इक्वेशन में फ्रैक्शनल नंबर यूज नहीं करते हैं. सो व्हाट वी नीड टू राइट, वी नीड टू मल्टीप्लाई ईच बाय 2 से मल्टीप्लाई कर दो. सो व्हेन यू मल्टीप्लाई ऑल बाय 2, सो व्हाट विल यू गेट, जस्ट सबको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे. यहाँ पे आगे में यहाँ पे 2 लिख लो ऐसे. सो वी कैन से 2C4H6, दैट इज 11O2 आ गया. फिर ये 8CO2 हो जाएगा और ये 6H2O हो जाएगा. हाँ है ना? Yes, sir. बस हो गया बैलेंस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश. नेक्स्ट वन इज अनंत. हाँ अनंत ने भेज दिया है, राइट सर. 2C5H10 प्लस 15O2. 2C5H10, 2C5H10. अच्छा इसमें ये वाला क्या, अच्छा पहले तुम्हें ये CO2 लिखना है यहाँ पर. तो जब CO2 लिखना है तो यहाँ से ऐसे लिखेंगे, CO2 लिख दिया, फिर यहाँ पे H2O लिख लिया. नाउ व्हाट इज देयर, इसके बाद सर रिएक्टेंट साइड में 2C5H10. अरे पहले तो इधर लिखने गए बेटा, 5, ये 5 हो गया, फिर इसके बाद ये कितना है हमारे पास, 5H2O. तो यहाँ से क्या हो गया, 5 2 10 और 10 5 15, तो 15/2 हो गया. सो दिस इज 15/2 एंड देयरफॉर मल्टीप्लाई बाय, हाँ सर 2, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. एंड सो इट इज मल्टीप्लाइड बाय 2, सो दिस इज 2C5H10 एंड देन कम्स आउट टू बी 15O2. Then this is 10CO2 and then 10H2O. Right? Yes, sir. Very good. Shabas. Perfect. Sir? Now, haan. Sir, isme har jaga CO2 plus H2O hi aata hai. Bachcha, yahi to likha hai. Kya likha hai yahan par? Padho jara. Ye kya likha hai?
कंबशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फ्रॉम सीओ हाँ टू एंड वाटर गिव बस हीट एनर्जी. हाँ, पर्टिकुलरली कंपाउंड्स में भी यहाँ पर ये ध्यान रखना है, हाइड्रोकार्बन हो या इस तरह का कंपाउंड हो, अल्कोहल हो, जिसमें कोई दूसरा एलिमेंट नहीं है, मान लो जैसे क्लोरीन नहीं है, नाइट्रोजन नहीं है, तो यही बनता है। यदि मान लो कहीं पे नाइट्रोजन आ जाएगा तो फिर उसमें NO2 भी बनेगा, Cl आ जाएगा तो CLO2 भी बन सकता है वहां पर। बट इन जनरल यदि हम बात करें तो कार्बन हाइड्रोजन है, तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन रहेगा, तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाले कंपाउंड्स में यदि हमारे पास कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो हमेशा क्या होगा, CO2 बनेगा और H2O ही बनेगा। अब है सर मैंने आपको सेंड करा था, कोई बात बता है, रहा हूँ बोलो मैं बोलो बोलो बोलो, बताओ बताओ, इसी में बताओ। सर. C3H4+4O2 C3H4+4O2 इज इक्वल टू 3CO2 2H2O. +2H2O। अच्छा, ये 2 हो गया और ये 6 हो गया, यानी 8, और यहाँ पर ये 8। ठीक है, वेरी गुड, बिल्कुल सही है, शाबाश। नाउ सौम्या। यस सर. सर टू बैलेंस कार्बन वील राइट 2CO2. 2CO2 टू बैलेंस हाइड्रोजन वील राइट 3H2O. 3H2O देन टू बैलेंस ऑक्सीजन वील राइट 5/2O2 एंड देन वील फोर मल्टीप्लाई. एटी सेवन सेवन है ना यहाँ पर, यस 7 है, 5/5 क्यों चाहिए यहाँ पर, यस सर. 7/2. 7/2 7/2 क्यों चाहिए, और ये जो ऑक्सीजन यहाँ भी तो है, एक ऑक्सीजन। तो ध्यान रखना यहाँ पर, ये क्या, इसमें ऑक्सीजन यहाँ भी है, पहले वाले ऑक्सीजन कहाँ होता था, सिर्फ यहाँ पे होता था, तभी मैंने कहा ये थोड़ा सा मुश्किल है। सो ओनली ऑक्सीजन वॉज देयर। I'll solve it again. हाँ ट्राई करो, बने जस्ट ट्राई इट आउट, बाकी बच्चों सब लोग इसको ट्राई करो क्वेश्चन को ध्यान से, रिमेंबर दिस, इन दिस केस वी हैव दिस अल्कोहल है, ये O2 है, यहाँ पर तो CO2 बनाया हमने, ये H2O बनाया, हीट सब में रिलीज होगा। नाउ हियर व्हाट कैन बी देयर, इसमें हमने क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर, सो इन दिस केस वी कैन फाइंड, इन दिस पर्टिकुलर केस यहाँ से O2 इधर भी है और यहाँ भी है, तो जितने भी इधर O2 है, यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, 2, 2 2 4 + 3 7, इसमें कितना है यहाँ पर, 1 है, तो क्या करेंगे, 1 को माइनस कर दो, तो 1 को माइनस कर दिया तो कितना बचा, 6 बचा, तो यानी 3O2, सो जस्ट प्लेस 3O2, ये हो गया। क्लियर है ये, यस सर. वेरी गुड। यस सर. अच्छा अब जरा बताओ, चलो एक और क्वेश्चन मैं लिखता हूँ यहाँ पर, अब इसमें मैंने लिख लिया C2O2, C2O4, C2O4H2, C2O4H2 +O2, अब क्या बन जाएगा, या C3H6O2 +O2, नाउ बैलेंस दिस वन अगेन, CO2 + H2O बनना ही है, CO2 + H2O, तो क्या सब हो जाएगा, जस्ट क्विकली बैलेंस करो इसको। हाँ अब बोलो, सर पहले प्रोडक्ट की साइड पे 4CO2 2H2 4CO2 + 2H2O, लेकिन इसमें तो वैसे नहीं होगा क्योंकि इसमें तो ऑक्सीजन आ गया, यहाँ पर ढेर सारा है, तो हमें फिर ऑक्सीजन को देख कर ही करना होगा बैलेंस, H2O को देख के करना होगा, तो यहाँ से क्या आ गया, हाँ बताओ, 4CO2 लिखा, ओके, तो फिर सर 2H2 ये कैसे किया है इसको ऐसे, पर वो मैंने करा है तो पर थोड़ा ज्यादा हो गया पर ठीक आ रहा है. अच्छा ट्रायल एंड एरर से किया होगा फिर इसमें, तो देखो यहाँ पे हमें क्या करना, ऑक्सीजन ज्यादा है ना यहाँ पर, तो पहले ऑक्सीजन की काउंटिंग कर लो कितना है, 4 है यहाँ पर और ये 2 6 हैं, तो हमें 6 बनाने हैं, तो यहाँ से हमने क्या करना है, 6 बनाने हैं, और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, तो पहले 2H2, ठीक है 4CO2 हो गया, ये 2H2 ऐड कर दिया, फिर उसके बाद रिएक्टेंट की साइड में 2CO2 O4H2. यहाँ पे 2 लगाना है। यस सर. अच्छा तो देखो यहाँ हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 यहाँ पे आ गया, ठीक है 2 लगा दिया, हो गया बैलेंस, या कुछ और भी करना है इसमें,
सर हो गया। हो गया बैलेंस, बहुत बढ़िया। यानी 2C2O4H2 प्लस O2, 4CO2 प्लस 2H2। अब काउंटिंग कर लो तो चार कार्बन, चार कार्बन, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है? 2 4 जा 8 प्लस 2 10, 2 4 जा 8 प्लस 2 10। हाइड्रोजन कितना है? 4। हाइड्रोजन कितना है? 4। सो दिस इज बैलेंस, दैट्स इट, वेरी गुड। शाबाश, बहुत बढ़िया नव्या, वेरी गुड। नाउ द नेक्स्ट वन ट्राई करो। सर हाँ बोलो। द नेक्स्ट वन इट्स सर इन द प्रोडक्ट साइड इट इज 3CO2 थ्री सी ओ टू प्लस 3H2O। थ्री एच टू ओ नो इन द रिएक्टेंट साइड इट इज 3O2 सर। थ्री ओ टू यस सर। वेल लेट अस चेक। सो वी कैन सी हियर, थ्री सी ओ टू मीन्स हाउ मेनी? सिक्स हाइड्रोजन, सिक्स सिक्स ऑक्सीजन, एंड हियर इज नाइन, एंड दिस इज थ्री इज हियर। सो थ्री, सिक्स प्लस थ्री नाइन, हियर इज सिक्स प्लस टू एट। सो दिस इज नॉट बैलेंस्ड, ये तो बैलेंस है ही नहीं। सो करेक्ट इट, यस सर। ठीक से करो। बताओ व्हाट इज नेक्स्ट, बताना अनंत। सर कर रहा हूँ अभी। सौम्या। सर मैं भी कर रही हूँ तो। ओके मान्या। सर कौन सा वाला? ये C3H6O2 वाला। उसके अंदर मैंने करा है प्रोडक्ट साइड पे 3CO2 थ्री सी ओ टू कैसे आ गया? ठीक से करो, ठीक से करो, करो बच्चों ठीक से, ध्यान से। तो 4CO2 लिख लिया हमने यहाँ पर। सर फिर 5H2O 5H2O, फिर सर रिएक्टेंट की साइड पे 6O2 6O2। अच्छा देखो यहाँ पर ये फोर कार्बन है, फोर कार्बन हो गया, वेरी गुड। हाइड्रोजन 10 है, 5H2O लिख लिया, ठीक है, ये हो गया। और इधर कितना आ गया? 4 2 जा 8 और 5 13, 13 ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन यहाँ पे चला गया, यानी 12 है, तो यानी 6O2। वेरी गुड, शाबाश, परफेक्ट, वेरी गुड नव्या, बहुत बढ़िया। नाउ द नेक्स्ट वन ट्राई करो। तो मैं बताऊं सर। हाँ बताओ। 3CO2 हो जाएगा प्रोडक्ट की साइड पे प्लस ठीक, 3CO2 लिख लिया, प्लस 3H2O थ्री एच टू ओ और रिएक्टेंट की साइड पे 4O2। 4O2। सो दिस इज 4O2, यानी यहाँ पे 3 6 हो गया, और यहाँ से 3 9 हो गया, 9, और यहाँ पे ये 4O2, बिल्कुल सही है, परफेक्ट, बहुत बढ़िया। सौम्या इज दिस डन? यस सर। अनंत हो गया बेटा। लावण्य, यस सर। चलो दैट्स ग्रेट। सो दिस इज हाउ वी आर बैलेंसिंग दीज केमिकल इक्वेशंस को, हम लोग कुछ ऐसे ही बैलेंस करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद बैलेंसिंग में थोड़ी सी दिक्कत कब आती है? जब एक रिएक्शन का स्पेशल कैटेगरी है, जैसे सपोज हमने यहाँ पे लिखा ये वाला, तो ऐसे बैलेंस हो गया, देन एसिड बेस रिएक्शंस आर अगेन, लाइक हमने एक और रिएक्शन लेते हैं इसमें, लाइक एग्जांपल ऑफ ये तो कम्बशन रिएक्शन का हो गया, थर्ड वन एज आई एम जस्ट टेकिंग हियर, लाइक जैसे हमारे पास ये सेकेंड लिखा है कम्बशन रिएक्शन, थर्ड एज बैलेंसिंग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है जैसे। सो थर्ड वन इज बैलेंसिंग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, बैलेंसिंग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सो व्हेन आई से बैलेंसिंग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, व्हाट इज मीनिंग ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? मीनिंग ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज बेसिकली व्हाट, कि जब भी कोई एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करता है, दे रिएक्ट टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। क्या होता है? वो सॉल्ट और वाटर फॉर्म करेगा। सो वी कैन जस्ट डिफाइन दिस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एज, ऐसे डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस आर डिफाइंड एज, सो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, सो दोज रिएक्शंस इन विच एसिड्स एंड बेसिज, एसिड्स एंड बेसिज आर
reacting together, reacting together to form salt and water. Salt and water. तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं. और समटाइम्स ओनली सॉल्ट, कई बार ऐसा होता है केवल सॉल्ट ही बनता है, जरूरी नहीं है कि वो हमेशा मतलब यही बनाए, मतलब वाटर भी फॉर्म हो. दिस इज नॉट एसेंशियल. फॉर्मेशन ऑफ वाटर इज मे और मे नॉट बी. वाटर फॉर्मेशन ऑफ वाटर फॉर्मेशन ऑफ वाटर इज नॉट एसेंशियल. ये एसेंशियल नहीं है. सो फॉर एग्जाम्पल जब सोच के देखते हैं, आप एक सिंपल सा रिएक्शन लेते हैं. लेट अस सी हियर लाइक NaOH प्लस HCl. NaOH हमने पढ़ा हुआ है यहाँ पर कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है और ये HCl है. हमने क्या पढ़ा था कि जो मेटल के हाइड्रोक्साइड्स होते हैं दैट आर बेसिक होते हैं वो वाले, और यहाँ पर ये वाला क्या है, एसिड है. तो यहाँ पर ये OH- है हमारे पास और ये H+ है. सो वी कैन राइट हियर दिस इज NaOH प्लस HCl. सो दिस वन इज वॉट, ये वाला क्या है, बेस का रिएक्शन है और ये वाला एसिड है. एंड सो इसमें हम क्या बोल सकते हैं इसको, सो दिस इज इन फैक्ट क्या है, यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन होगा. सो देखो यहाँ पर OH माइनस है, ये H प्लस है, तो क्या करेंगे, OH माइनस का H प्लस के साथ जोड़ना है और Na प्लस को Cl के साथ जोड़ देना है. तो क्या बन जाएगा, NaOH एक्वस लिखते हैं यहाँ पर प्लस HCl. सो दिस इज फॉर्मिंग वॉट, क्या बनाएगा यहाँ पर ये, दिस इज फॉर्मिंग NaCl एक्वस प्लस दिस इज फॉर्मिंग वॉट. यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, दिस इज फॉर्मिंग NaCl एक्वस बन गया प्लस H2O बन गया. H2O लिक्विड ही है हमारे पास, H2O. ठीक, तो ये वाला हमारे पास ऐसे आ गया NaCl एक्वस प्लस H2O, ये आ गया हमारे पास इक्वेशन. इंस्टीड ऑफ दिस, सपोज मैंने इसमें ऐसे लिया हुआ होता NaOH लिया हुआ होता, और यहाँ पर ये क्या है हमारा, ये बेस है, ये क्या है एसिड है, ये वाला क्या बना सॉल्ट, और ये हमारा वाटर. सो एसिड प्लस बेस इज फॉर्मिंग वॉट, सॉल्ट एंड वाटर. नॉट एसेंशियली दैट एग्जाम्पल आई विल टेक अप बट नॉट नाउ, राइट. अभी हम थोड़ा और आगे पढ़ेंगे तब बताएंगे. सो कंसिडरिंग दिस वन, NaOH ले लिया मैंने यहाँ पर प्लस H2SO4 लिख लिया. सो जस्ट राइट डाउन वॉट विल बी हैपनिंग देयर. अब इसके बाद NaOH के बाद मैंने यहाँ पर लिख लिया इसमें ये वाला, लाइक इंस्टीड ऑफ दिस आई एम टेकिंग हियर दिस वन CaOH होल ट्वाइस प्लस HCl. क्या बनेगा, देन आई एम टेकिंग हियर CaOH होल ट्वाइस प्लस H3PO4. यहां पर क्या बनेगा, सो कैन यू जस्ट राइट डाउन द इक्वेशन एंड कैन यू राइट डाउन द प्रोडक्ट एंड द यू कैन से बैलेंस देम. प्रोडक्ट को लिखना है और इसको बैलेंस करना है. सो प्लीज ट्राई टू राइट देम. सो व्हेन आई से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एज एसिड्स एंड बेसिस आर रिएक्टिंग टुगेदर टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, नाउ हियर इज फॉर्मेशन ऑफ H2O इज नॉट एसेंशियल. समटाइम्स कई बार होता है ऐसे. नाउ सो द इक्वेशन इज NaOH + HCl, NaCl + H2O हमने बना दिया. NaOH + H2SO4 में Na2SO4 + 2H2O फॉर्म हुआ. CaOH होल ट्वाइस प्लस 2HCl गिव्स अस व्हाट, CaCl2 सॉल्ट है और ये वाला वाटर बन गया हमारे पास. नाउ 3CaOH होल ट्वाइस प्लस H3PO4 इज लीडिंग टू Ca3PO4 होल ट्वाइस प्लस 6H2O, ये वाला बन गया. सो इफेक्टिवली वी कैन सी हियर कि सॉल्ट बनता है और ये वाला क्या बन गया हमारे पास, वाटर. तो ये ध्यान रखना बच्चों, वैलेंसी सॉल्ट कौन सा बनेगा, दैट वी आर ऑलरेडी अंडरस्टूड, वी ऑलरेडी हैव अंडरस्टूड हाउ टू यूज वैलेंसी टू फॉर्म द सॉल्ट, हमें ये पता है. तो कैल्शियम लिया यहाँ पर, वैलेंसी का कैल्शियम का 2 है वैलेंसी, PO4 3 माइनस होता है, 3 है वैलेंसी, तो Ca3PO4 होल ट्वाइस बन गया. एंड सो अकॉर्डिंगली वी हैव बैलेंस्ड इट. तो 3CaOH होल ट्वाइस लिखा और 2H3PO4 हो गया. सो वी हैव गॉट Ca3PO4 होल ट्वाइस प्लस 6H2O. सो अकॉर्डिंगली वी हैव बैलेंस्ड दिस वन. सो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स जिसके हम लोग बैलेंसिंग के लिए उपयोग करते हैं. वी विल कम अप विद समथिंग मोर, लाइक रेडॉक्स रिएक्शन में कैसे बैलेंस होगा, या एक और रिएक्शन हम लोग कहते हैं हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है, उसमें हम लोग कैसे बैलेंसिंग करेंगे. सो वी विल डू ऑल दोज रिएक्शंस दैट विल डू इन द नेक्स्ट क्लास. ठीक है बच्चों? यस सर. कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन?
एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? चलो ठीक है फिर, सो टेक केयर बच्चों, बाय, गुड डे, थैंक यू सर, वेलकम, थैंक यू सर, वेलकम.